नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि इन डिजाइन के अंदर रूलर्स एंड जीरो पॉइंट क्या होते हैं। तो चूँकि अगर आप डी टी पी डेस्कटॉप डिजाइनिंग की फील्ड में हैं या डेस्कटॉप पब्लिशिंग की फील्ड में हैं, तो रूलर्स और जीरो पॉइंट जो रूलर्स हैं उसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें स्केलिंग, हमें पेज साइज और मार्जिन वगैरह काफ़ी हमें सेट करने पड़ते हैं, तो हमें इनकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि इन डिजाइन के अंदर रूलर्स और जीरो पॉइंट क्या होते हैं और इसकी शॉर्टकट कमांड क्या है कि हम इसको कैसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पे हैं और मेरे चैनल पे हैं तो आप मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इंडिजाइन के बहुत सारे इंडिजाइन और कोरेलड्रॉ के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट किए हुए हैं, और आप मेरे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप मेरे होम पेज पर हैं। और अगर आप मेरी वीडियोज़ को लाइव देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो लाइव प्ले हो रही है तो यहाँ पर आप छोटा सा एक रेड बटन दिया हुआ है, आप यहाँ करेंगे तो यहाँ से भी एक आपको रेड मार्क दिखाई देगा सब्सक्राइब बटन का, और एक यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा, आप यहाँ से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस पर इंडिजाइन की इस तरीके के बहुत सारे टिप्स मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो इससे आपको काफ़ी इंडिजाइन को सीखने समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। और ये पूरे ट्यूटोरियल जो मैं सीरीज है, या मैं पूरी हिंदी में बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि सो दैट कि आप जो हमारी हिंदी अपनी मदर लैंग्वेज है, इसको हम अपनी मदर लैंग्वेज में इंडिजाइन को सीख सकें, जो कि बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है न्यूज़पेपर में, इंडस्ट्री के अंदर, पब्लिशिंग के अंदर या बुक डिजाइनिंग के अंदर। और आज की डेट में तो इसका हम जो इंडिजाइन है उसका इस्तेमाल सभी जगह हो रहा है, चाहे ब्रोशर डिजाइनिंग हो या पंपलेट हो या विजिटिंग कार्ड्स वगैरह हो, हर चीज़ आज की डेट में इंडिजाइन के अंदर यूज हो रही है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि कट को रूलर्स के अंदर, रूलर्स और जीरो पॉइंट इन डिजाइन के अंदर कहाँ के क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे ऑन ऑफ करते हैं, कैसे इसको डिस्प्ले में लेके आते हैं। तो दोस्तों, ये आप सेक्शन देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है रूलर्स, ये रूलर्स एक्चुअली इसके ही होता है, तो जो हमारे डॉक्यूमेंट को हमें शो करता है कि हम उसको किस प्रकार से यूज कर रहे हैं। जैसे जितना जूम करते हैं, तो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों कि उसी प्रकार से जूम होते चले जाते हैं। ये आपके वर्ड में भी होते हैं, कोरेलड्रॉ में भी होते हैं, इलस्ट्रेटर में भी होते हैं, मतलब आप कोई सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो रूलर्स आज की डेट में जो भी जहाँ जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर पूरे सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप देख पाते हैं कि रूलर्स उसके अंदर होता है। तो दोस्तों, अभी आप देख पा रहे हैं कि जो रूलर्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये बाई डिफ़ॉल्ट जो होता है ये पिकास के अंदर होता है, जो इसकी यूनिट्स होती हैं बाई डिफ़ॉल्ट आप देख पा रहे हैं, तो बाई डिफ़ॉल्ट ये पिकास या पॉइंट्स के अंदर होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर आपको इसको चेंज नहीं किया, तो आप जैसे रूलर पर राइट क्लिक करेंगे तो ये किस आप उसमें लेना चाहते हैं, जैसे ये mm में है, इंचज में, या पिक्सल्स में, या पॉइंट्स में, पिक्सल्स में, जो आपकी चॉइस होती है, आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही सारे इसमें ऑप्शन शो कर देता है कि आप इसको किस में शो करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये भी पॉइंट्स में हो गया, तो आप यहाँ देखें ये 72 पॉइंट्स, 72 PT है, 144 PT, 216 PT। आप यहाँ पर कुछ ग्राफिक्स भी क्रिएट करूँगा तो आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ भी वैल्यू से पॉइंट में शो करता है, यानी जो रूलर है, रूलर की वैल्यू जैसे जो जिस हम वैल्यू में सेट कर देंगे, तो सारे जो मेजरमेंट्स हमारी वैल्यूज हैं वो उसी वैल्यू के अंदर आ जाती हैं, जो वैल्यू हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो जैसे मुझे अगर इसे जाता, तो अगर अब इसके अंदर होता क्या है कि दोस्तों, अभी जैसे हम यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे mm इंचेस कर देता हूँ, तो ये इंचेस में हो गया मेरा, तो ये जो वैल्यूज चेंज होती हैं ये बकायदा सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए चेंज होती हैं जो हमने खोला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं, जैसे कई बार होता क्या है कि हम चाहते हैं कि जो वैल्यूज हमारे बाय डिफॉल्ट में, जब भी हम नया डॉक्यूमेंट खोलें तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज हमारे इंचेस में हो या mm में हो, तो हमें सारे डॉक्यूमेंट बंद करके फिर इसको जो रूलर्स हैं, रूलर्स की जो वैल्यूज हैं हमें वो सेट करनी होती हैं, सो दैट की जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट है इसकी सेटिंग करने के लिए आपको एडिट के अंदर जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे उसको फाइनली। तो ये मतलब वही बात कर रहा था कि मैं रूलर्स क्या होते हैं, तो रूलर्स जो हमारी सेटिंग, जो दोनों जो रूलर्स हैं, ये आपका हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, दोनों इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अलग अलग होते हैं। कि अगर आप वैल्यू आपकी एक इंचेस कर रहे हैं, अगर आपने दूसरा वैल्यूज नहीं बदली है, तो ये आपके mm ही शो करेगी, या जो वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ लगी हुई है वो शो करेगी। तो हमें दोनों वैल्यूज़ को दोनों पर क्लिक करके हमें बदलना पड़ता है, अगर दोनों में इंचेस करना चाहते हैं तो, या mm में करना चाहते हैं तो हमें दोनों वैल्यूज़ को बदलना पड़ता है। अगर विथ एंड हाइट दोनों चेक करना चाहते हैं तो हमें दोनों बदलनी पड़ती है। तो अब इसमें ये बात थी कि हमारे रूलर्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसमें जीरो पॉइंट क्या होता है, रूलर्स एंड जीरो पॉइंट। तो जीरो पॉइंट हमारा वो एरिया है जहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट अब स्टार्ट होता है। ये आप यहाँ जीरो देख पा रहे हैं और यहाँ जीरो देख पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ गाइडलाइंस ड्रॉ करूँ एक, तो सीधे इस जीरो पे आके क्रॉस करेगी, और मैं ऐसे गाइडलाइन ड्रॉ करता हूँ तो एक यहाँ पर सीधे इसको, सॉरी यहाँ पर आई लाइन ये आ रही है,
ये यहाँ से आके आपको बिल्कुल, यानी ये हमारा जो सेक्शन जहाँ से डॉक्यूमेंट हमारा स्टार्ट होता है ये हमारा जीरो पॉइंट होता है। लेकिन दोस्तों हम इसको मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट का जो जीरो वैल्यू है, जो जीरो पॉइंट हो, वो यहाँ से स्टार्ट ना हो करके हमें इसको एक इंच आगे से स्टार्ट करना है या पीछे से स्टार्ट करना है, तो आप यहाँ से सीधे सीधे एक इंच का जो भी है, एक इंच का एक बॉक्स बना करके हमें यहाँ प्लेस करते हैं। और इसका हम चाहते हैं हमारा जीरो पॉइंट यहाँ से ना स्टार्ट हो, कि यहाँ से स्टार्ट हो तो बस हमें जब अपने डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ जाती है, अगर हमें चाहिए हो जाता है तो हम इसको यहाँ से ला करके यहाँ से बिल्कुल जो दो पॉइंट आप क्लोज पॉइंट देख रहे हैं, जी जीरो पॉइंट जो देख रहे हैं, आप इसको ड्रैग करके लाइए, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, तो आपकी जो जीरो वैल्यूज है वो इतनी ही शिफ्ट हो जाएगी जितना आप चाहते हैं। एक इंच का जितना मार्जिन आपने दिए हैं, ये क्योंकि mm में है इसको इंच करते हैं, देखिए सीधे सीधे एक इंच का जो गैप है वो यहाँ से बन जाता है। तो ये हमारा जीरो पॉइंट को हम अपने हिसाब से कैसे मूव कर सकते हैं, या अगर मूव करने की जरूरत तो नहीं पड़ती है, अब जरूरत पड़ रही है तो आपसे कैसे मूव कर सकते हैं अपना जीरो पॉइंट, और रूलर्स क्या होते हैं। अब मैं अब बात करता हूँ कि हम रूलर्स जो हैं उसको बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यूज हम उसके इंचज चाहते हैं या mm चाहते हैं तो उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर mm बदला है, तो मैं जो नया डॉक्यूमेंट खोलूँगा, न्यू डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, तो वो जो mm में ही आएगा क्योंकि उसको मैंने बाई डिफ़ॉल्ट mm में सेट क्या हुआ है। आप चाहते हैं कि वो इंच में आए या उसमें आए, जो रूलर्स की जो वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आए, तो हम सारे डॉक्यूमेंट पहले यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूँ, पहले सेव कर देते हैं इसको। हम क्या है हमारा रूलर्स हैं, RULERS रूलर्स, मैंने सेव कर दिया इसको, इसको यहाँ से बंद कर रहा हूँ। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट भी मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, मैंने ब्राउज़र बना रहा था ये बंद कर देता हूँ, ये भी मैंने डॉक्यूमेंट बंद कर दिया मैंने। अब हम जाते हैं यहाँ पे एडिट के अंदर, प्रेफरेंसेस में जाते हैं, इसके अंदर आपको मिलता है रूलर्स एंड गाइड्स जो भी हैं यूनिट्स एंड, तो हम यहाँ देखते हैं दोस्तों यूनिट्स एंड इंक्रीमेंट्स में देखते हैं, क्लिक करते हैं इसको। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में गया हुआ है, इंचेस गया हुआ है, तो हम इसको जो mm मान लीजिए हम इसको mm कर देते हैं, सेंटीमीटर कर देते हैं चेक करने के लिए, और वर्टिकल को भी सेंटीमीटर कर देते हैं। अब ये दोनों स्प्रेड्स जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने रूलर्स यूनिट्स हैं इसको यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे अपना, तो जो उसके यूनिट्स जहाँ शो कर रहे थे वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यूनिट्स यहाँ ओके करेंगे। इसके बाद हम खोलते हैं न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला हमने, तो यहाँ पे ये देखिए ये हो गया सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तब जो भी न्यू डॉक्यूमेंट अब यहाँ पर रूलर आएगा वो इसकी वैल्यूज़ होंगी वो सेंटीमीटर होके आएंगे। इसी के लिए दोस्तों इसके बाद हम जो भी नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे उस सबकी वैल्यूज़ यहाँ पे सेंटीमीटर में शो करेगा। तो हमने ये देखा कि हम यहाँ से इसको अपनी वैल्यूज़ को बाय डिफ़ॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में चेंज करना चाहता है, यहाँ से कभी इसको चेंज कर देते हैं तो ये इंच हो जाएगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट के लिए हमारी यूनिट काम करेगी। हम नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो नया डॉक्यूमेंट हमारा CM में ही खुलेगा, तो वो बाई डिफ़ॉल्ट हम वहाँ से सेट कर सकते हैं। एडिट के अंदर जा करके प्रेफरेंसेस में जा करके प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आप यहाँ से यूनिट सेट इंक्रीमेंट्स में जा करके इसको सेट कर सकते हैं अपनी क्या ना ये रूलर्स की जो मेजरमेंट वैल्यूज है कि किस उसके अंदर मेजर करेगा उन्हें, वहाँ से सेट कर सकते हैं दोस्तों। और इसका हम इसको रूलर्स को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ व्यू में जाइए, व्यू में जाने के बाद इसके अंदर आपको व्यू में कहाँ मिलेगी, व्यू में कहाँ मिलेगा दोस्तों, हाँ ये देखिए दोस्तों ये आपका है यहाँ पे हाइड रूलर्स, कंट्रोल प्लस आर इज अ शॉर्टकट की, आप कंट्रोल प्लस आर यूज़ करेंगे तो ये रूलर्स गायब हो जाएंगे, कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो ये रूलर्स आ जाएंगे। ये कंट्रोल प्लस आर जो मैं विंडोज वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर कंट्रोल प्लस आर आप इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आर। तो दोस्तों आज की टिप हमारी थी कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रूलर्स और जीरो पॉइंट हम इंडिजाइन के अंदर किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसके कैसे सेटिंग करते हैं, तो हमने आज इसके बारे में बात की दोस्तों। तो आज को आपकी टिप कैसी लगी मुझे कृपया अपने कमेंट्स से मुझे जरूर अवगत कराएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।